हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू अदर सेट चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और नए क्वेश्चन को लेते हैं आज सो फर्स्ट सेट इज अ टू सेट क्वेश्चन और लेट इज रीड और हरे क्वेश्चन में पॉज करके आपको पहले सॉल्यूशन खुद से सोचना है खुद से डिड्यूस करना है उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है क्वेश्चन स्टेटमेंट इज सही माधुरी आप्टे अ बिजी प्रोफेशनल रेंट्स आउट हर स्टूडियो अपार्टमेंट लोकेटेड इन साउथ मुंबई So she is a busy professional, busy professional, and she rents out her studio apartment, which is located in South Mumbai. Since she stays three hours away from the studio apartment, she uses a networked digital lock to monitor the property remotely. So three hours away she is staying, that is why she is using a networked digital lock. Fine. Each customer gets a temporary and unique access code. The digital lock that enables them to enter the studio apartment for the duration of the stay. The apartment's entrance door can also be opened with physical keys, and Madhvi Apte, Apte has two such keys in her possession. Madhvi Apte has employed a cleaner who has a permanent access code. So, cleaner pass to permanent access code hai to enter the apartment for cleaning every day, and she is available only between 15 and 17 hours. So, madhuri Apte's apartment caters largely. To international customers a customer typically stays for three days and paying an average rent of $1.25 per day now the question starts and while madhuri obtains studio apartment gets good feedback on other aspects so she is actually receiving good feedback fine many seem unhappy as they found the operation of the digital lock complicated so many are unhappy and why are they unhappy because they found the operation of the digital lock complicated so issue unka? they found the operation of the digital lock complicated Question is, which of the following options is the best for Madhuri Apte in this context? So, what should she exactly do? Which will be best for Madhuri Apte in this context? Issue, hai issue is, operation of digital lock. Rest, the But, operation of digital lock is complicated and that is what the issue is. द आंसर ऑप्शन शुड रिजोल्व दिस पर्टिकुलर इशूस चेक द ऑप्शन ऑप्शन एक कह रहा है माधुरी शुड स्विच टू अल लॉक शी मे शी मे इफ इट वॉज पॉसिबल देगा ये है, पंगा क्या है यहाँ पे कि शी इज स्टेइंग थ्री आर्स अवे फ्रॉम द स्टूडियो तो अपार्टमेंट और अगर फिजिकल लॉक पे वो स्विच करते हैं उसकेस में शी हैजू बी फिजिकली प्रेजेंट हैिजिकली प्रेजेंट ऑपरेशन बट फिजिकल ही तो इशू है वही तो नहीं हो सकता थ्री आर्स अवे रहती है और इसीलिए तो नेटवर्क डिजिटल लॉक यूज कर रही है तो जिस वजह से डिजिटल लॉक यूज कर रही है अल्टीमेटली हम क्या है उसको उल्टे डायरेक्शन में लेके जाए तो क्या ये बेस्ट होगा बेस्ट फॉर मधुरी ऑप्टे क्योंकि क्वेश्चन क्यों हमसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन इज आस्किंग बेस्ट फॉर माधुरी ऑप्टे इन दिस कॉन्टेक्ट तो उसके लिए क्या बेस्ट होगा क्या यह बेस्ट होगा डेफिनेटली नहीं होगा तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट बेस्ट फॉर माधुरी ऑप्टे होता तो पहले यूज कर रही होती ठीक है तो ऑबियस इज टेइंग फॉर तो नॉट द पॉसिबल ऑप्शन फॉर हर ऑप्शन बी माधुरी ऑन रिक्वेस्ट शुड सेंड वन ऑफ द फिजिकल कीज डेज अहेड ऑफ कस्टमर्स अराइवल एट एन एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ डॉलर सेवेंटी फाइव बड़ा लुक्रेटिव ऑप्शन लग रहा है ठीक है कि चलो ऐसा कर देना चाहिए माधुरी ऑन रिक्वेस्ट अगर वो ऐसा करती है कि पांच दिन अहेड भेज देगी की फिजिकल की कस्टमर के अराइवल से और एक्स्ट्रा चार्ज देगी डॉलर सेवेंटी फाइव प्रॉब्लम सॉर्टेड इजेंट सो बट पंगा क्या है पंगा है ये पैसा पैसा मनी अभी डॉलर सेवनटी फाइव एक्स्ट्रा एड हो जाएगा कॉस्ट में फॉर द कस्टमर और अल्टीमेटली कस्टमर के लिए अगर डॉलर ट्वेंटी पर डे एक लुक्रेटिव ऑप्शन लग रहा होगा उसको तो अब ये जो कॉस्ट बढ़ जाएगा ऑन एन एवरेज ट्वेंटी फाइव डॉलर पर डे बढ़ रहा है ऑन एवरेज डेज रह रहा है कस्टमर तो दैट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट जो अभी बढ़ रहा है ट्वेंटी परसेंट का इंक्रीज सीधे सीधे एक तरह से आ जाएगा इसकी वजह से रिजर्ट डेट्सो और उस केस में फिर कस्टमर क्या <coughs> फिर फील करेगा कि उसको यही अपार्टमेंट लेना चाहिए थिंक अबाउट इट तो अल्टीमेटली अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में चीजों को इंक्रीज कर देगी तो दिस इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस नॉट गुड फॉर द बिजनेस एक एक्स्ट्रा खर्चा अननेसेसरी एड हो गया तो नॉट गुड फॉर द बिजनेस तो ऑप्शन बी भी नॉट बेस्ट फॉर माधुरी ऑफटे क्योंकि हो सकता है कुछ लोग तो चूज कर ले बट मैक्सिमम केस में यहां से उसका बिजनेस हैम्पर होगा नुकसान होगा ऑप्शन सी माधुरी शुड रिक्वेस्ट द क्लीनर टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द डिजिटल एक्सेस कोड टू कस्टमर्स फॉर एन एक्स्ट्रा चार्ज सीम्स फाइन क्लीनर ऐसा कर सकती है एक्स्ट्रा चार्ज लेके बट प्रॉब्लम क्या है क्लीनर के बारे में साफ साफ लिखा है शी इज इज अवेलेबल बिटवीन आवर्स 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 एंड तो सिर्फ 3 से 5 के बीच में ही शीज अवेलेबल अगर उसके बीच में कोई कस्टमर आता है तब तो ऐसा फिजिबल हो सकता है बट कस्टमर हमेशा सेम टाइम पर आएगा ऐसा तो जरूरी नहीं है तो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन भी हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है क्या हो रहा है ठीक है तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है बिकॉज शी इज नॉट अवेलेबल मेड इज क्लीनर इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम अगर अवेलेबल होती तो अच्छा ऑप्शन होता बट शी इज नॉट अवेलेबल ओके आठ में क्या चला गया ओके ऑप्शन डी माधुरी शुड डू नथिंग एज डिजिटल लॉक शैल बी द नॉम इन द फ्यूचर सो मे बी मे बी मे बी डिस्टलॉक शैल बी द नॉम इन द फ्यूचर बट पॉइंट ये है अभी बात फ्यूचर की नहीं है अभी तो प्रेजेंट की बात हो रही है प्रेजेंट में इशू तो है कि ऑपरेशन ऑफ डिस्टलॉक इज कॉम्प्लिकेटेड कस्टमर्स को ऐसा फील हो रहा है और अगर कस्टमर्स को ऐसा फील हो रहा है तो डूइंग नथिंग इज नेवर अ सोल्यूशन अगर किसी भी क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कुछ करना है तो उससे खराब नहीं करना है बस ठीक है बट डूइंग नथिंग इज नेवर अ सोल्यूशन अगर चीज़ें उससे बेहतर हो सकती हैं तो हमें उससे बेटर कुछ करना चाहिए ठीक है सो डूइंग नथिंग इज अ सोल्यूशन हालांकि टीवी पे एक भी मैचेस के बीच में एक ऐड आता था, था पता नहीं डूइंग नथिंग के कौन से ब्रांड का ऐड था एनीवे वे बट उसमें यही दिखाते थे डूइंग नथिंग इज अ सॉल्यूशन बट इट इज नेवर अ सॉल्यूशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ई माधुरी शुड क्रिएट अ वीडियो मैनुअल ऑन हाउ टू यूज द डिजिटल एक्सेस कोड एंड ई इट टू द कस्टमर्स बिफोर द अराइवल यानी कि वॉट शी शुड डू शी शुड क्रिएट अ वीडियो मैनुअल ऑन हाउ टू यूज अ डिजिटल एक्सेस कोड एंड ई इट टू द कस्टमर्स बिफोर देयर अराइवल एक फायदा इसमें क्या है कॉस्ट इफेक्टिव है चीप है ज़्यादा कुछ इसमें माधुरी का खर्चा नहीं आने वाला और एफिशिएंट भी है इफेक्टिव भी एफिशिएंट भी है काम करेगा कस्टमर के लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें पंगा नहीं है कस्टमर को उसके ईमेल पे आ जाएगा वो चेक कर लेगा चेक करके और शी कैन लर्न कि ऑपरेशन डिस्टलॉक कैसे होगा कैसे ऑपरेट करेंगे और दैट्स ऑल सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन ए हो नहीं सकता बी हो नहीं सकता ठीक है बी डेट्रीमेट हो तो सकता है बट डेट्रीमेटली टू द बिजनेस है तो बेनिफिट नहीं करेगा नॉट द बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन सी पॉसिबल नहीं है हर टाइम क्लीनर इज नॉट अवेलेबल ऑप्शन डी माध्यू शुड डू नथिंग डूइंग नथिंग इज नॉट द सॉल्यूशन जब हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन ई अवेलेबल है विच इज बेटर देन डूइंग नथिंग इज एन इट सो भाई ए बी सी पॉसिबल नहीं है एंड ई इज ग्रेटर देन डी डी से बेटर है कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करो और कुछ करो यानी कि कस्टमर्स के लिए थोड़ा तो भाई आप काम आसान करो तो वही काम आसान हो रहा है यहाँ से ऑप्शन ई हमारे डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज इट क्लियर हमें सिर्फ गिवन ऑप्शंस में से चूज करना है जो बेस्ट होगा हमारे लिए ठीक है

बिहाइंड ड्यूरिंग चेकआउट जाहिर सी बात है कुछ गेस्ट को जरूरत ही नहीं समझ में आया दे है चेक आउट भूल गए मेकिंग अ स्पेयर की विल कॉस्ट डॉलर फाइव हंड्रेड पैसा लग रहा है इतना कॉस्ट लग रहा है एंड विल टेक अबाउट टेन डेज टू अराइव टाइम भी लग रहा है शी वॉज कंफ्यूज इफ शी शुड कंटिन्यू लिविंग द स्पेयर की एंड वॉज लुकिंग फॉर अ वे आउट इस बार हमारा इशू क्या है इशू है जो स्पेयर की शी इज लिविंग अगर ये कोई कस्टमर भूल जाता है कस्टमर भूल जाता है इन दैट केस एक तो कॉस्ट लग रहा है उसका डॉलर फाइव हंड्रेड इज अलाट ऑफ अमाउंट और अगर अमाउंट मेंशन है तो इज अ रीजन की वो मैं क्योंकि डॉलर फाइव का कॉस्ट लगता है तो बहुत चीप होता है ठीक है बट डॉलर फाइव हंड्रेड इज अलॉट प्लस एडिशनली उसको टेन डेज का टाइम भी लग रहा है और टेन डेज इज अलॉट ऑफ टाइम इसमें उसका कितना बिजनेस लूज हो रहा होगा तो जब भी कोई स्पेयर की कस्टमर भूल जा रहा है छोड़ने के लिए तो डेफिनेटली उसका एक तो कॉस्ट लग रहा है और साथ में उसका टेन डेज का बिजनेस का भी लॉस हो रहा है क्लियर है तो क्वेश्चन हमसे पूछा विज ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट वे आउट ऑफ फॉर हर तो बेस्ट वे आउट क्या होगा कि किसी तरह से उसका एक कॉस्ट मिटिगेट हो सके दोनों चीजें कॉस्ट है उसके लिए ये चीजें जिस भी तरह से मिटिगेट हो पाए वो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होगा ठीक है और बिना कोई डैमेज किए बिजनेस को या कस्टमर्स के लिए ठीक है तो कस्टमर्स के लिए डिटीमेंटल नहीं होना चाहिए ऑप्शन ए कह रहा ठीक है कीप द डिजिटल लॉक एज द ओनली ऑप्शन इन कम्युनिकेट टू कस्टमर्स ठीक है ठीक है थोड़े टाइम के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं आई मीन रिग्रेसिव हो गया बिकॉज फिर से वापस उसी रास्ते पे जाना है जहाँ से आगे बढ़े थे हम और वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी कस्टमर्स को ठीक है तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं बाकी ऑप्शन के साथ में फिर कंपेयर करेंगे ऑप्शन बी सेंगे बी प्रेजेंट ड्यूरिंग चेकआउट टू इंश्योर द की इज रिटर्न अगर ऐसा पॉसिबल ही होता तो फिर तो दिक्कत ही क्या थी शी कैन नॉट बी प्रेजेंट फिजिकल प्रेजेंस तो इशू है ठीक है थ्री आवर्स अभी रहती है वो तो नॉट द पॉसिबल ऑप्शन तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता कैनॉट बी प्रेजेंट ऑप्शन सी रिक्वेस्ट द क्लीनर टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग चेकआउट अगेन शी कुड इफ द क्लीनर वॉज अवेलेबल बट नॉट अवेलेबल क्लीनर इज नॉट अवेलेबल तो अगेन द सेम रीजन कि ऑप्शन सी इस बार भी हमारा आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन डी सेंड पोलाइट रिमाइंडर्स टू गेस्ट बिफोर चेकआउट डेट एंड ऑन द डे ऑफ द चेकआउट टू लीव द की बिहाइंड कि उनको बोलो कि प्लीज ऐसा करो प्लीज ऐसा करो प्लीज ऐसा करो बट क्या ऐसा काम करता है आप बोलते रहो लोगों को कि प्लीज आप हेलमेट पहनो प्लीज आप सीट बेल्ट लगाओ पर क्या काम करेगा जब तक आप चालान नहीं भरवाओगे उनसे तो इट डज इन वर्क दैट वे ठीक है दुनिया ऐसे काम नहीं करती लोगों को पोलाइट रिमाइंडर्स याद नहीं रहते हैं अलार्म भी आता है ना अपना अलार्म लगाते हैं हम लोग रात में कई बार बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं इनफैक्ट मोस्टली लोग ही ऐसा करते हैं कि रात में अलार्म लगाया या दो तीन अलार्म लगाया एक अलार्म लगाया फिर बाद में स्नूज स्नूज होता रहता है वो ठीक है क्योंकि उसके पास बेचारे के पास कोई ऐसा चॉइस तो है नहीं पोलाइट रिमाइंडर्स काम नहीं करते इन जनरल वो वर्क नहीं करते ठीक है सो अगर वो पोलाइट रिमाइंडर्स भेजेगी तो ठीक है भेज सकती है बट उससे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा उसके बाद भी गेस्ट भूल जाएंगे क्योंकि तो उनका कोई उससे लॉस नहीं हो रहा है ठीक है तो उनको फिक्र नहीं होगा वो पोलाइट रिमाइंडर्स वैसे ही होंगे जैसे नोटिफिकेशन होते हैं बहुत सारे जिनको हम इग्नोर करते हैं जो आ तो जाते हैं पर उनको कोई रिलेवेंस नहीं जो जैसे बहुत सारे फालतू के ई होते हैं जो आ जाते हैं और पड़े रहते हैं सिमिलरली पोलाइट रिमाइंडर्स का काम होगा तो दे वोंट वर्क ऑप्शन डी डज नॉट मेक सेंस मतलब काम नहीं करेगा ऑप्शन ई e, चार्ज सिक्योरिटी डिपॉजिट और डॉलर हंड्रेड विच विल भी फॉरपीटेड इफ द कीज और नॉट लेफ्ट बिहाइंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सिमिलर टू जैसे चालान वाली बात की कि उसने चार्ज किया सिक्योरिटी डिपॉजिट डॉलर हंड्रेड का और अगर कीज नहीं छोड़ी गई तो दि दि दिस विल बी फॉरपीटेड इसके केस में क्या होगा कोई कॉस्ट नहीं है दिस इज नॉट एडिशनल कॉस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में डॉलर सेवेंटी फाइव एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे थे बट यहाँ पर यह सिक्योरिटी डिपॉजिट है अगर कीज नहीं भूली है ठीक है जबकि अगर कीज भाई वो लेके नहीं गया है तो इन दैट केस ये सिक्योरिटी डिपॉजिट तो रिटर्न होने वाला है तो डेफिनेटली ये तब फोर फीट होगा जबकि कीज कोई नहीं वापस छोड़ेगा तो दिस इज अ गुड ऑप्शन कस्टमर को भी इशू नहीं होगा और अगर डॉलर हंड्रेड उसका फोर फीट होने वाला होगा तो डेफिनेटली ही विल रिमेंबर इट डेफिनेटली ही विल रिमेंबर इट इन मोस्ट ऑफ द केसेज और जब नहीं करेगा तो उस केस में भी ऐसे बहुत कम केसेस होंगे तो ऑन एन एवरेज दिस विल वर्क ऑप्शन ई इज बेटर देन ऑल द अदर ऑप्शन ठीक है ऑल द अदर ऑप्शन तो डेफिनेटली ऑप्शन ई हमारा आंसर हो जाएगा और क्योंकि कस्टमर्स को ऑलरेडी इशू आ रहा था डिजिटल के ऑपरेशन में तो इसलिए ऑप्शन इज़ बेटर देन ऑप्शन ए वापस से पीछे जाने से बेटर है, है? ठीक है ऑप्शन होगा क्वेश्चन सेट रोज इज द क्वीन ऑफ किंगडम ए एंड एमिली इज द क्वीन ऑफ किंगडम बी तो दो किंगडम्स हमारे ए और बी ए किंगडम ए की ज एम रोज और किंगडम बी का क्वीन इज एम बोथ शेयर अ कॉमन बॉर्डर दोनों का एक अपना कॉमन बॉर्डर है दे ऑल्सो शेयर अ बॉर्डर विद किंगी विच इज अच लार्जर किंगडम फाइन सो एक तो हमारा किंगडम ए है एंड इज किंग बोथ शेयर अ बॉर्डर विद किंगडम रूल्ड बाई किंग जोनाथन सो ए में रोज इज द क्वीन बी में एम एज द क्वीन और सी में जोनाथन इज द किंग ठीक है देन दो इंडिविजुअली देयर आर्मीज वर नो मैच टू हिज माइट टूगेदर देयर आर्मीज वर मोर पावरफुल देन किंग आर्मी फाइन वोर पावरफुलज की ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी ए और बी के आर्मी को मिला आर्मी को अगर एड कर लें तो दैट इज ग्रेटर देन सी बट अदरवाइज इंडिविजुअली दे आर नॉट इंडिविजुअली इंडिव्यूज आर्मीज आर नो मैच फाइन जोनाथन किंगडम ऑल्सो बॉर्डर्ड किंगडम के ऑन द अपोजिट साइड तो अपोजिट साइड में एक किंगडम के भी है मेकिंग किंगडम सी अ बफर स्टेट बिटवीन किंगडम ए बी एंड के फाइन किंगडम के इज रूल्ड बाई किंग समर सॉल्ट सो वहां का राजा है किंग समर सॉल्ट ओके हुईटेड अ ग्रुप ऑफ वॉरिंग एंड वेलीजरेंट ट्राइब्स अंडर हिस्स एजेस सो ही हैज यूनाइटेड अ ग्रुप ऑफ वॉरिंग एंड बेलेजरेंट ट्राइब्स अंडर हिज एजेस ठीक है किंगडम के एंड किंगडम सी है With each other, कि उनके लगभग झगड़े रोज रोज का रोज, रोज आए दिन होते रहते हैं वहाँ पे झगड़े चल रहे हैं तो ये में पंगा चलता रहता है fronts, तो तीनों फ्रंट पे वो फाइट तो नहीं कर सकता है ठीक है आर्म्स एंड एमिनेशन विच विल टेक अ फ्यू इस जिसमें कई साल लगेंगे उसका दैट इज हिज प्लान दिस न्यूज रीच्ड एमिली एंड रोज दे हैड

इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली बींग इन्वॉल्व वो क्या करें अपना आर्म्स और मेनिशन समर सॉल्ट को भेजें सो so दैट वो अगले फ्यू ईर्स के लिए उनको सपोर्ट करें पहली चीज़ तो ये है कि इससे उनका क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा क्या क्या वो इतने कैपेबल हैं कि वो अपना सब विड्रू करते रहे अपनी आर्मी अपने लोगों को और एडिशनली सपोर्ट करने को भेजें समर सॉल्ट को जिसके बारे में हमारा पता भी नहीं है कि समर सॉल्ट से ए और बी का रिलेशनशिप कैसा है वी डू नॉट नो वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट ठीक है तो डेफिनेटली ऐसा करने में उनका क्या बेनिफिट होगा इवन इफ ये डिले करता है प्लान को पर इससे उनका एमिली और रोज़ का क्या बेनिफिट होगा दैट इज डाउटफुल दूसरी बात यह है कि हमें ऑलरेडी मैंशन है क्वेश्चन में कि बफर स्टेट है हमारा सी यानी कि ए और बी को अगर के तक आर्मी भेजना भी होगा तो क्या ये फिजिबल भी होगा फिजिबिलिटी भी नहीं है क्योंकि बीच में सी आ रहा है अब सी से कैसे क्रॉस करके जाएंगे वो तो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में मैंशन है उन चीज़ों को छोटी छोटी बातों को भी हमें समझता है, है कि नहीं तो ऑप्शन ए पहली चीज तो यह है कि उसका सेंस भी नहीं बनता दूसरी बात है कि पॉसिबल भी नहीं है फिजिबल भी नहीं है ठीक है सो so, एक तो नॉट रेलिवेंट मतलब कर, काम नहीं करेगा काम नहीं करेगा ठीक है और दूसरी बात है कि फिजिबल भी नहीं है नॉट फिजिबल आगे एक ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन बी द टू क्वींस शुड मीट जोनाथन एंड अटेम्प्ट टू साइन अ पीस पैक्ट लुक्रेटिव ऑप्शन लगता है बट इससे क्या बेनिफिट होगा ये बताओ अगर दोनों क्वींस मिले जोनाथन से और एक पीस पैक साइन करें तो जोनाथन के लिए तो अच्छा ही है ना अल्टीमेटली वो क्या चाह रहा है वो तो अपनी आर्म्स को डबल करना चाह रहा है और एक पीस पैक हो गया तो उसके बाद तो और बल्ले है उसकी सो so, ये चीज़ तो काम करेगा किसके लिए दिस विल बेनिफिट जोनाथन जोनाथन को बेनिफिट करेगा एमिली और रोज को इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि उनको जोनाथन का प्लान डिले करना है इससे तो और जल्दी उसका प्लान एग्जीक्यूट होगा क्योंकि वो शांति से बैठ जाएगा उसको पता है एमिली और रोज के साथ पीस पैक साइन हो गया और फिर उसके बाद में अपना आर्म्स और बढ़ा के फिर बाद में प्लान करेगा अटैक जो करना है उसको ऑप्शन सी एमिली रोज शुड ऑल्सो डबल देयर आर्मीज ओके ठीक है कर सकते हैं मेडू पॉसिबल है मेडू वाला तो अगर ये करती हैं मिलियो रोज भी अपना आर्मी को डबल करें तो क्या इससे जुराथन का प्लान डिले होने वाला है थिंक अबाउट इट भाई वो तो अपना प्लान जैसे कर रहा है वैसे ही करता रहेगा ये भी डबल करेंगे अपनी आर्मी कर लो भाई सबकी अपनी मर्जी है कर लो जिसको करना है हाँ हाँ ये कर लो पहले बट पंगा ये है इससे जुराथन का प्लान डिले नहीं होने वाला है हमारा पर्पज है जोनाथन का प्लान डिले होना चाहिए सो नॉट द करेक्ट आंसर ठीक है वोंट हेल्प रोज शुड अटैक जोनाथन इमीडिएटली अगर एमिलियो रोज अटैक करते हैं जोनाथन को इमीडिएटली इन दैट केस क्या होगा जोनाथन की आर्मी बिजी हो जाएगी अटैक में वो ऑलरेडी वॉर पे आ जाएगा और लड़ाई में आ जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है कि उसका जो डबल करने का है आर्मी अपना प्लान वो डिले होगा वो डिले होगा क्योंकि अल्टीमेटली वो एक तो किंगडम के साथ में ऑलरेडी इसका चल रहे हैं वहां पर उसकी कुछ आर्मी बिजी होगी फिर ए और बी भी, भी अटैक कर देंगे उस पर तो यहाँ पे भी उसकी आर्मी बिजी हो जाएगी तो वो तो अपने आप को मतलब ये जो लड़ाइयाँ हैं इतनी सारी इनमें बिड़ाने में ही बिजी हो जाएगा इसके बाद में उसका प्लान तो डिले होना ही होना है दूसरी बात अगर ये दोनों साथ में अटैक करेंगे तो डेफिनेटली दोनों का आर्मी मिला के इज ग्रेटर देन द आर्मी ऑफ सी तो उसके लिए प्रॉब्लम्स डेफिनेटली इंक्रीज़ कर जाएंगी और डेफिनेटली ये हमारा डिले करेगा प्लान को डेफिनेटली दिस विल डिले द प्लान क्योंकि जहां फोकस होना चाहिए था उसकी वजह फोकस हो जाएगा उसका ए और बी से और के के साथ लड़ाई में ही सारा फोकस उसका वेस्ट होगा एनर्जी तो कहां बचेगा ऑप्शन ई e कह रहा है द टू क्यूंस शुड इग्नोर द न्यूज अगेन एक ऑप्शन जो कह रहा है कुछ ना करो और एज वी नो फ्रॉम द पास्ट डूइंग नथिंग इज नेवर अ सोल्यूशन तो ई e तो हो ही नहीं सकता कोई सेंस नहीं बनता नेवर अ सोल्यूशन तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी डेफिनेटली डिले भी कर रहा है प्लान को बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट वाला स्टोरी पूरा सेम है लास्ट में कह रहा है जोनाथन एम्स टू तो इन्वेड एंड एन एनेक्स किंगडम के वंस एंड फॉर ऑल जोराथन अब क्या चाह रहा है इब वो चाह रहा है कि वो इन्वेड करे और किंगडम के को एनेक्स कर ले वंस एंड फॉर ऑल कब्जा कर ले उसके ऊपर क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट इनेबल हिम टू अकॉम्प्लिश द एम्बिशन यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बेस्ट इनेबल करेगा किसको जोनाथन को टू तो अकॉम्प्लिश द एम्बिशन यानी कि इस बार हमको जोराथन की हेल्प करनी है पिछली बार जोनाथन का प्लान डिले कर रहे थे हम लोग ठीक है एमिली और रोज के साथ थे इस बार हमको जोनाथन की हेल्प करनी है लेट अस चेक द ऑप्शंस ऑप्शन ए कह रहा Queen Queen है ही शुड रिक्वेस्ट द कोऑपरेशन ऑफ क्वीन रोज एंड क्वीन एमिली क्वीन रोज एंड क्वीन एमिली नो दैट जोनाथन हैज एक्सपेंसिव एंबिशंस ठीक है एक्सपेंसिव एंबिशंस है उसकी तो वो चाहता है ये उनको भी अच्छे से पता है कि वो ए और बी को भी कंट्रोल करना चाहता है एक्सपैंड करके अपना किंगडम वहाँ तक लाना चाहता है और के के बारे में भी उसका ऐसा ही ख्याल है और ऐसे केस में क्या पॉलिटिकली राइट डिसीजन होगा या क्वीन रोज और क्वीन एमिली उसके साथ में कोई कॉपरेशन करेंगी सो so दैट वो अपना जो प्लान है उसको अकॉम्प्लिश कर सके थिंक अबाउट इट तो ही कैन रिक्वेस्ट बट द प्रॉब्लम इज कि क्वीन रोज और क्वीन एमिली मानेंगे नहीं वोट एक्सेप्ट बिकॉज उसको पता है कि अगर वो कॉपरेट करेंगी यानी कि वो उसकी हेल्प करें ताकि वो किंगडम के को कंट्रोल कर सके पूरा का पूरा एनेक्स्ट कर सके उसके बाद में वो क्या करेगा जब उसकी आर्मी किंगडम के को एनेक्स कर लेगा जब उसकी आर्मी और पावरफुल हो जाएगी उसका स्टेट और पावरफुल हो जाएगा इसके बाद में अल्टीमेटली ए और बी पे ही आने वाला आने वाला है वो अल्टीमेटली ए और बी पे ही आने वाला है वो तो कभी भी वो ऐसे केस में उसको हेल्प नहीं करेंगी ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल नॉट फीजिबल होता तो बेस्ट होता बट ऐसा होगा नहीं रोज़ा एमिली इसको होने नहीं देंगे बिकॉज अल्टीमेटली उनको ही बेफ आयर करेगा ऑप्शन बी ही ही शुड शुड साइन साइन अ अ पीस पीस पैक्ट पैक्ट क्वीन 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 रोज रोज एंड एंड एमिली एमिली ठीक है उसको करना है क्या है उसको अपना एम्बिशन अकम्पलिश करना है और उसके लिए उसको अरेक्स करना है किंगडम के को तो कोई ऐसा जरूरत नहीं है ना उसको पीस पैक साइन करके क्या मिलेगा ऐसा तो नहीं है कि किंगडम ए और किंगडम बी ये दोनों अटैक करने वाले उस पर डिफरेंट क्वेश्चन है ये पीछे वाला क्वेश्चन नहीं है ठीक है जो पहला वाला क्वेश्चन था वो अलग था ये क्वेश्चन डिफरेंट है क्लियर है तो ये उसके आगे कॉन्टिन्यूटी में नहीं है ये बात समझ में आनी चाहिए तो यहां पे ऐसा नहीं है कि किंगडम क्वीन रोज और क्वीन एमिली उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं एंड हैज उसको पीस पैक साइन करना चाहिए बिकॉज अगर वो ऑलरेडी हमें गिवन होता क्वेश्चन में तो सिचुएशन अलग हो जाती है बट यहां ऐसा कुछ भी नहीं है तो जब ही इज नॉट श्योर कि क्वीन रोज और क्वीन एमिली उसको अटैक करने वाले हैं नहीं करने वाले हैं तो पीस पैक साइन करने से उसका एंबिशन अकॉम्प्लिश होने के डायरेक्शन में क्या बेनिफिट होता है कोई बेनिफिट नहीं होता तो डज नॉट हेल्प जोनाथन ऑप्शन सी ही शुड ट्राई एंड क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द टू क्वींस अगेनिट उनके बीच में रिफ्ट क्रिएट करके होगा क्या इवन इफ ही क्रिएट रिफ्ट रिफ्ट लेट लेट अस अस से अज्यूम कि वो क्रिएट कर देता है इसके बाद में जब वो किंगडम के पे अटैक करेगा तो अल्टीमेटली दोनों क्वींस को पता चल जाएगा कि क्या प्लान है इसका क्या मिशन था और क्यों इसने ऐसा किया अगेन दे विल सो ठीक है तो दो कमजोरों को अगर आप भिड़ा भी रहोगे आपस में तो आप ताकतवर बन रहे हो तो दोनों कमजोर आपस में फिर से जुड़े आएंगे वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा दूसरी बात है इससे इनेबल नहीं होते हो आप अपना एम्बिशन अकॉम्प्लिश करने के लिए कंप्लीटली इरेवेंट ऑप्शन है उसका ये होना चाहिए कि कैसे वो अपनी एंबिशन को अकॉम्प्लिश कर सके वो ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन ना तो ए ना बी ना सी ऑप्शन डी कह रहा है ही शुड सीक्रेटली इन्वेस्ट इन डबलिंग द आर्मी बाय रिड्यूसिंग ऑल अदर एक्सपेंडिचर्स मेक सेंस यहाँ पे क्या कर रहा है सीक्रेटली इन्वेस्ट कर रहा है सीक्रेटली इन्वेस्ट करेगा तो ना तो ए बी को पता चलेगा यानी कि क्वींस को भी पता नहीं चलेगा और समर सॉल्ट को भी पता नहीं चलेगा सो सीक्रेट इन्वेस्टमेंट करने में डेफिनेटली अपनी आर्मी को डबल करेगा बाकी एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करके सो यस दिस डज हेल्प इनेबल हिम बिकॉज अगर आर्मीज डबल हो जाएंगी तो डेफिनेटली ही विल बी मोर पावरफुल एंड ही विल हैव बेटर चांसेस टू इन्वेड एंड अनेक्स किंगडम के तो डेफिनेटली ऑप्शन डी ई e कह रहा है ही शुड अटैक ऑल थ्री किंगडम साइमेंटेनियसली गिविंग देम नो टाइम टू कॉपरेट तीनों किंगडम को अटैक कर देगा तो तबाह हो जाना है नस्त नाबूद हो जाना है उसको बिकॉज ए और बी डेफिनेटली दोनों मिलके उस सी से ज्यादा बेटर है जिससे ज्यादा पावरफुल है तीनों किंगडम पे अपना आर्मी बिजी करेगा छोटी 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 छोड़ी आर्मी भेजेगा तो हार ही जाएगा बर्बाद हो जाएगा तो डेट डज नॉट मेक सेंस इससे उसका प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी है जिससे कि बेस्ट इनेबल हो सकता है वो और अपने प्लान को अकॉम्पलिश कर सकता है इजट क्लियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन सारी कहानी है पूरी वही वाली और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर किंग समर सॉल्ट टू फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा किंग समर सॉल्ट के लिए दैट इज द क्वेश्चन अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी को भी अपना करना है तो उसको क्या चाहिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको पीस चाहिए शांति चाहिए है कि नहीं पीस चाहिए कॉपरेशन चाहिए एज मच एज पॉसिबल ये चीजें होंगी तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा ऑप्शन ए कह रहा है अलाइन विद जोनाथन टू एलिमिनेट वन और टू ऑफ द ट्राइब्स एंड इंस्टिल फियर इन अदर्स अलाइन विद जोनाथन टू एलिमिनेट वन और टू ऑफ द ट्राइब्स एंड इंस्टिल फियर इन अदर्स यहां पर क्या कर रहा है देखो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कह रहा था किंगडम के इज रूल बाई हु यूनाइटेड

और अगर जोनाथन ने उसको सपोर्ट कर भी दिया तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा इससे उसका ही किंगडम वीक हो रहा है अपने ही किंगडम को कमजोर कर रहा है तो अल्टीमेटली इस चीज का अल्टीमेटली बेनिफिट उठाएगा जोनाथन इट विल बेनिफिट जोनाथन इन द लॉन्ग रन क्योंकि ये तो शांति सद्भावना के चक्कर में पड़ जाएगा इकोनॉमिक डेवलप के चक्कर में पड़ जाएगा वो अपने आर्मी को डबल कर रहा है या जो भी कर रहा है और उसके बाद में उसका प्लान है जो एम्बिशन ये अपने ही स्टेट को वीक करेगा तो ऑप्शन ए डज नॉट फिट वो भी एक ऐसे बंदे के साथ कॉपरेट करके जो ऑलरेडी जिसके साथ इसका फाइट लगातार चल रहा है डज नॉट मेक सेंस ऑप्शन बी अलाइन विद द टू क्वीन्स टू एलिमिनेट अ फ्यू ट्राइब्स एंड यूनिफाई द रेस्ट तो कुछ ट्राइब्स को ये एलिमिनेट कर दे और इसके बाद में बचे हुई ट्राइब्स को यूनिफाई करें ठीक है और ये चीजें हमें दी क्यों हुई है बिकॉज साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि उसने यूनाइट किया है ए ग्रुप ऑफ वॉरिंग एंड बेलिजरेंट ट्राइब्स को तो ये झगड़ा वगड़ा आपस में करती रहती है आपस में झगड़े करती रहती है झगड़ती रहती है ठीक है बट साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे मैंशन है दैट इज ही हैज यूनाइटेड डीज ट्राइब्स तो उसने इन ट्राइब्स को यूनाइट करके अपना एक स्टेट बनाया है तो जैसा भी है ये ट्राइब्स बट ये ट्राइब्स यूनाइटेड है और अभी एक स्टेट मान के चल रही है है कि नहीं तो इनके में आपस में झगड़ा है पर इनका अपने किंगडम के साथ में अपने किंग्स समरसॉट के साथ में कोई झगड़ा है कि नहीं है ये कहीं पर भी मैंशन नहीं है और आपस में भी ये कितना झगड़ा करती है दैट वी डू नॉट नो क्योंकि वो भी कहीं पे मेंशन नहीं है क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहा है कि दे आर ए ग्रुप ऑफ वॉरिंग एंड बेलेजरेंट ट्राइब्स बट क्वेश्चन इज नॉट मेंशनिंग दैट दे आर डेली वॉरिंग एंड बीच में एक दूसरे के ट्राइब के ऊपर अटैक करना चालू है उनका और उनकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है दैट इज नॉट में इन द क्वेश्चन ठीक है जो क्वेश्चन में मैंशन नहीं है उसको हम एज्यूम नहीं करेंगे ये जरूर मैंशन है कि दीज आर ग्रुप ऑफ वॉरिंग ट्राइब्स दैट इज फाइन ठीक है बट दे आर यूनाइटेड दैट इज ऑल्सो मैं ओके सो उनको एलिमिनेट करके बाकियों को यूनिफाई करना डज नॉट मेक सेंस क्योंकि ऑलरेडी उसने यूनिफाई किया हुआ है सारी की सारी ट्राइब्स को ठीक है तो जो काम उसने ऑलरेडी किया हुआ है वो दो चार को एलिमिनेट करके करेगा तो क्या यूनिफाई होंगी खुद सोचो लेटस से दे आर फाइव और सिक्स ट्राइब्स ठीक है उसने एक, एक ट्राइप को निपटा दिया ठीक है उसने एक ट्राइप को एलिमिनेट कर दिया तो बाकी ट्राइब्स के अंदर तो डर आएगा ना इसकी वजह से क्या ऑलरेडी जो यूनाइटेड ट्राइब्स थे उनके बीच में डाउट क्रिएट होगा और इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम इस बात के हैं कि उनका जो सिचुएशन है वो एग्रेवेट होगा गलत डायरेक्शन में जाएगा सिचुएशन एग्रेवेट होगा अनरेस्ट बढ़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ी होगा ऐसी सिनारियों में अनरेस्ट बढ़ेगा तो ये भी हमारा फिट ऑप्शन नहीं है ऑप्शन बी ऑप्शन सी कर रहा है डिजाइन एनुअल इकोनॉमिक प्लान विद ईच प्लान आफ्टर डिफरेंट नेम्डर तो यहां पे वो क्या कर रहा है डिजाइन कर रहा है डिफरेंट एनुअल इकोमिक प्लान इकोनॉमिक प्लान डिजाइन करने का मतलब ये हुआ दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डायरेक्शन में एक राइट right स्टेप है कि ही इज डिजाइनिंग एनुअल डेवलपमेंट प्लान इन एनुअल इकोनॉमिक प्लान फाइन एंड विद ईच प्लान नेम्ड आफ्टर अ डिफरेंट ट्राइफ फाइन इससे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा हर एक ट्रांड अलग अलग टाइप के नाम पे नाम पे हो इससे कोई बहुत स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं होगा बट इतना जरूर है कि उन ट्राइब्स के बीच में एक जो यूनाइटेड वाला फीलिंग है वो ग्रो करेगा इससे ठीक है सो so, डेफिनेटली जो हमारा फर्स्ट हाफ है ऑप्शन सी का दैट इज इन द राइट डायरेक्शन डायरेक्शन राइट है और बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं कि उनमें कोई बेटर ऑप्शन है या नहीं है ऑप्शन डी का ना क्रिएट ए रिफ्ट अमंग द ट्राइब्स एंड अ सिविल वॉर ये तो बहुत ही खराब ऑप्शन है ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही वर्स्ट ऑप्शन है कि एक सिविल वॉर इगेटेट कर दो अपने स्टेट में उससे क्या बेनिफिट मिलेगा तुम्हारा कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा डेफिनेटली तो किंग समर सॉर्ट के लिए दिस इज द वर्स्ट ऑप्शन डज नॉट मेक सेंस ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑप्शन ई रिक्वेस्ट जोनाथन टू सेंड टीचर्स डॉक्टर्स एंड आर्टिस्ट टू इंप्रूव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ किंगडम के तो जोनाथन से इस बात की रिक्वेस्ट करें दैट ही सेंड्स टीचर्स डॉक्टर्स एंड आर्टिस्ट टू इम्प्रूव इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ किंगडम के बट जोनाथन के साथ लगातार मिशन इसका, इसका चल रहे हैं तो वेरी लिटिल फीसबिलिटी कि ऐसा कुछ ऑफर जोनाथन एक्सेप्ट करे ऐसी किसी रिक्वेस्ट को जोनाथन एक्सेप्ट करे कि ही स्टार्ट सेंडिंग टीचर्स डॉक्टर्स एंड आर्टिस्ट इफ ही डज देन दिस कुड हेल्प दिस कुड हेल्प बट ऐसा जोराथन करेगा नहीं करेगा दट वीड डो नॉट नो ठीक है तो अगर बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है फॉरकिंग टू फोकस ऑन इकॉमिक डेवलपमेंट तो क्या इससे फोकस हो रहा है उसका इकोमिक डेवलपमेंट ऑप्शन ई से ये बात बताओ अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, हमें पता भी नहीं किसका ये रिक्वेस्ट का रिजल्ट क्या होगा रिजल्ट इज अनसर्टेन, अनसर्टेन और ऑप्शन सी के बारे में पक्का पता है कि वो डिजाइन कर रहा है इकोनॉमिक प्लांस को तो डेफिनेटली एक राइट डायरेक्शन में स्टेप है तो ऑप्शन सी इज बेटर देन ऑप्शन ई आवर आंसर शुड बी ऑप्शन सी क्लियर है ठीक है इन द गिवन कंडीशंस नॉट दट ऑप्शन सी हमारा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बट गि ऑप्शन के बीच में ऑप्शन सी इज मच बटर देन ऑप्शन ई मच बटर देन ऑप्शन बी एंड आवर आंसर शुड भी ऑप्शन सी ऑप्शन बी में जैसे स्टार्ट में ही बताया कि ऑलरेडी जब यूनिफाइड है ये सारी की सारी ट्राइब्स तो फिर एक दो को एलिमिनेट करके यूनिफाई करने का कोई सेंस नहीं बना बिकॉज एलिमिनेट कर दिया तो सिचुएशन अग्रवेट होगा अनग्रेस्ट बढ़ेगा ठीक है और यहां पे थोड़ा सा ये जो हमारा पर्टिकुलर पैसेज है यहां पे हमें पॉलिटिकली भी चीजों को सोचना है तो हर चीज जो हम सोच रहे हैं वो फिजिबल नहीं होगा तो पॉलिटिकली चीजों को सोचते हुए और यही चीजें हमने की हैं पीछे के क्वेश्चन में भी तो क्या बात समझ में आती है ठीक है ऑप्शन सी इन द गिवन कंडीशन इज द बेस्ट ऑप्शन अमंग गिवन ऑप्शन क्लियर है ठीक है सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना है और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है जो हो सकता है ठीक है डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है तो अगर आपका कोई डाउट है कोई कंसर्न है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मैंशन कीजिएगा आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज वेल दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और आई विल ट्राई कि आज रात तक एक और सेशन डिसीजन मेकिंग का डाल दो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन बाय टेक केयर फिर मिलते हैं अगले सेशन में